हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड डूइंग गुड एट योर प्लेस। आई एम मोनिका फ्रॉम माद्रे सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगंज। इन प्रीवियस क्लासेस वी डिस्कस अबाउट द सेंटेंस एंड सेकेंड लेसन अबाउट आस्किंग क्वेश्चन। तो पिछली क्लासों में हमने द सेंटेंस के बारे में पढ़ा और सेकेंड लेसन में मैंने क्वेश्चन के बारे में पढ़ा। सेंटेंस क्या होते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनसे हम अपने थॉट एक्सप्रेस करते हैं। एंड सेकंड आस्किंग क्वेश्चन, उसमें हमें पढ़ा कि किस प्रकार हम अपने जो किसी से इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्वेश्चन की करते हैं। आज हम पढ़ेंगे नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स वी स्टार्ट। We know that a sentence is a group of words। ये हमने पिछली क्लासों में जाना कि एक सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। All the words used in a sentence are classified according to their use in a sentence। तो सेंटेंस के अंदर जो वर्ड होते हैं वो अलग अलग क्लासीफाइड किए होते हैं। This classification is known as part of speech। तो उस क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। देर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। तो उस पार्ट ऑफ स्पीच में 8 पार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है नाउन, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। नाउन एंड सेकंड इज प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवन्थ कंजक्शन, एट इंटरजेक्शन। ओके, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। ये नीचे जो सेंटेंस दे रखे हैं इनको रीड करना है, ठीक है। फर्स्ट है साहिल इज प्लेइंग। साहिल खेल रहा है, ठीक है। साहिल इज प्लेइंग, प्ले खेलना। साहिल इज प्लेइंग, साहिल खेल रहा है। सेकंड, द कैट इज स्लीपिंग, कैट सो रही है। ये देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखा रखा है साहिल खेल रहा है और यहाँ पे ये कैट क्या है, स्लीपिंग कर रही है। थर्ड, आई एम गोइंग टू मथुरा, मैं मथुरा जा रहा हूँ। फोर्थ इज वी आर सर्चिंग फॉर ए पेन, हम एक पेन ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट, द वर्ड साहिल, कैट, मथुरा एंड पेन आर द नेम ऑफ पर्सन। तो यहाँ पे साहिल फर्स्ट सेंटेंस में क्या है, साहिल इज प्लेइंग। तो साहिल क्या है, पर्सन का नेम है ना किसी का। तो साहिल, नेक्स्ट वाले में द कैट इज स्लीपिंग। तो यहाँ पे कैट क्या है, ये भी किसी का नेम है, एनिमल नेम। थर्ड, आई एम गोइंग टू मथुरा, तो यहाँ पे मथुरा क्या है, किसी प्लेस का नेम। वी आर सर्चिंग फॉर ए पेन, तो पेन क्या है, थिंग्स नेम। ओके, दीज आर कॉल्ड नाउन, तो इनको क्या कहते हैं, नाउन्स कहते हैं। किसी पर्सन का नेम हो, एनिमल नेम हो, या किसी प्लेस का नेम, या थिंग्स के नेम, तो ये होते हैं नाउन। ओके, यहाँ पे नाउन की डेफिनेशन दे रखी है, ए नाउन इज द, ये टेबल के अंदर बॉक्स के अंदर देखो, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाउन क्या होते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, किसी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, किसी स्थान का नेम, एनिमल्स और थिंग्स नेम, कोई भी चीज़ का नेम, एनिमल्स नेम, प्लेस नेम, पर्सन नेम, इनके नेम
क्या होते हैं, नाउन होते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर इनका नेम है, किसी पर्सन का नेम है, चाहे प्लेस का नेम है, एनिमल्स नेम हो या फिर थिंग्स नेम हो, तो वो क्या होंगे, नाउन। ओके, तो इसको क्लियर करने के लिए एक्सरसाइज दे रखी है। फर्स्ट, अंडरलाइन द नाउन इन द फ्लोइंग सेंटेंस। हमें अंडरलाइन करनी है जो नाउन है उनके नीचे अंडरलाइन करनी है। किन के नीचे अंडरलाइन करोगे, किसी पर्सन का नेम हो या प्लेस का नेम हो या फिर एनिमल और थिंग्स का नेम हो, उनके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट में, तो एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट सेंटेंस, एन एलिफेंट वाज रनिंग ऑन द रोड। तो यहाँ पे एन एलिफेंट, ये एलिफेंट क्या है, एनिमल्स नेम है ना, तो ये हम के इसके नीचे अंडरलाइन कर देनी है। एक एलिफेंट है वो रोड पर दौड़ रहा था, तो यहाँ पे एनिमल है वो एनिमल, जो एलिफेंट है वो एनिमल्स नेम है। सेकंड, मोहित इज सिटिंग इन द चेयर। तो यहाँ पे मोहित चेयर पर बैठ रहा है, तो यहाँ पे मोहित है वो किसी पर्सन का नेम है, तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। थर्ड, द कैट वाज रनिंग आफ्टर द रेट। कैट क्या है, बिल्ली के पीछे दौड़ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगी, द कैट है वो क्या है, एनिमल नेम है, तो इसके नीचे अंडरलाइन लगा देंगे। फोर्थ, ताजमहल वाज बिल्ट इन आगरा। ताजमहल आगरा में बनाया गया था, तो यहाँ पे ताजमहल क्या हो गया, प्लेस नेम, तो प्लेस नेम के नीचे अंडरलाइन। फिफ्थ इज, मुकेश वाज सिटिंग अंडर ए ट्री। मुकेश पेड़ के नीचे बैठ रहा था, तो यहाँ पे मुकेश है वो किसी पर्सन का नेम है, तो इसके नीचे अंडरलाइन। सिक्स्थ, द रोज इज ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज ब्यूटीफुल फ्लावर है, तो यहाँ पे द रोज क्या है, थिंग्स नेम, तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। सेवन्थ, देयर इज सम मिल्क इन द जग। ये सम मिल्क क्या हो गया, थिंग्स नेम, तो यहाँ पे इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, यहाँ जग में कुछ दूध है। एट्थ इज, यस्टरडे वी सॉ अ लायन इन द जू। कल हमने चिड़ियाघर में एक शेर देखा, तो यहाँ पे ए लाइन के नीचे, ए लाइन है एनिमल नेम, तो इसके नीचे आ जाएगा अंडरलाइन। नाइन्थ इज, शारदा इज गोइंग टू स्कूल। तो शारदा स्कूल जा रही है, तो शारदा किसी पर्सन का नेम है, तो इसके नीचे अंडरलाइन। टेंथ इज, रितु इज ए नाइस गर्ल। रितु एक अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे रितु के नीचे अंडरलाइन लगानी है क्योंकि ये पर्सन नेम है। इलेवंथ इज, वी बोट न्यू पेन फॉर आवर टीचर। हमने हमारे टीचर्स के लिए नया पेन लिया, तो यहाँ पे न्यू पेन आ गया, थिंग्स नेम। ट्वेल्थ, अनन्या इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अनन्या सॉन्ग गा रही है, तो यहाँ पे अनन्या के नीचे अंडरलाइन पर्सन नेम के लिए। 13, द टीचर वाज टीचिंग इन द क्लास। द टीचर आ जाएगा पर्सन नेम्स, तो इसमें आ जाएगा अंडरलाइन, टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे। 14 इज, आई रोट लेटर टू माई पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। मैंने लेटर लिखा किसके लिए, पेरेंट्स के लिए और फ्रेंड्स के लिए, तो यहाँ पे अंडरलाइन किसके नीचे आ गया, लेटर के नीचे। 15 इज, देयर वर 10 हैंस इन द
चिकन कोप, चिकन कोप के अंदर क्या थे 10 hens, तो 10 hen के लिए आ जाए नीचे आ जाएगा अंडरलाइन। ओके, इस प्रकार हमें अंडरलाइन करनी है नाउन के नीचे। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। सेकंड एक्सरसाइज में क्या बोला गया है देखो, रीड द फ्लोइंग सेंटेंस एंड राइट द नेमिंग वर्ड फॉर द फ्लोइंग। तो यहाँ पे ये ऊपर वर्ड्स दे रखे हैं हमें, और हमें जो ये टेबल के नीचे स्पेस है, अब तो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, पहले स्पेस था, इनमें ये नेमिंग यूज़ करने हैं। ठीक है, ये नेम। तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, ए पर्सन हु मेंड्स द शूज, एक ऐसा पर्सन जो शूज को मेंड्स करता है, मतलब उनकी मरम्मत करता है या फिर धागे से सिलता है, वो कौन होता है, कोबलर। तो इसका आ जाएगा कोबलर। सेकंड, ए पर्सन हु स्टिचेस द क्लोथ, एक पर्सन जो स्टिचेस सिलाई करता है कपड़ों की, कपड़ों की सिलाई करने वाला कौन होता है, टेलर। तो इस पर आ जाएगा टेलर, सेकंड में आ जाएगा टेलर। थर्ड में, ए पर्सन हु टीचेस इन द क्लास, क्लास में पढ़ाने वाले क्या कहलाते हैं, टीचर। तो यहाँ पे आ जाएगा टीचर। फोर्थ, ए पर्सन हु मेक वुडन फर्नीचर, जो लकड़ी का काम करते हैं वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं, कारपेंटर। ओके, एंड फिफ्थ, ए पर्सन हु ब्रिंग्स लेटर, जो लेटर लाने का काम करते हैं वो कौन होते हैं, पोस्टमैन। तो इसमें आ जाएगा पोस्टमैन। ओके स्टूडेंट, तो आपकी एक्सरसाइज सेकंड और फर्स्ट कंप्लीट है। आपको सेकंड एक्सरसाइज करनी है और फर्स्ट एक्सरसाइज करनी है, और नाउन की डेफिनेशन राइट करनी है। ओके, ये नाउन की डेफिनेशन, ये नाउन की डेफिनेशन राइट करोगे, और ये एक्सरसाइज फर्स्ट एंड सेकंड। इट्स योर होमवर्क। स्टे होम, स्टे सेफ।